इस यूनिट के अंदर क्या टारगेट है कि कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट यूजिंग एवरेज मेथड, यानी सिंपली यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। जॉब ऑर्डर, ओके, अगर आपको याद हो मैं तेज़ी से गो थ्रू करूँ, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम कैसे निकालते थे उस वहाँ पर यूनिट कॉस्ट, सर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, वो सिंप्लीफाइड था। जॉब ऑर्डर में क्या किया था, टोटल कॉस्ट जो कॉस्ट ऑर्डर शीट आया था उससे नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज है। यानी प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, ये फार्मूला अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला प्रोसेस में मैं कहूँगा कि एवरेज मेथड है तो कुछ और तरीका है, और फीफो मेथड है तो कुछ और तरीका है। तो हम एवरेज को यहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे, हम एवरेज को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स से हम डिवाइड करते थे प्रोसेस के अंदर, कैसे करेंगे। अब इसके लिए डेटा चाहिए, डेटा आपके सामने मौजूद है, कंप्यूट एंड अप्लाई कॉस्ट। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन देखें क्या है, वही नंबर्स जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट किए थे ना इक्विवेलेंट, उसी क्वेश्चन का डेटा है, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई। यानी ये जो सवाल हमने किया था, इस सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्किंग प्रोसेस हमने किस में बनाया था, क्वान्टिटी में बनाया था। क्या था सर, 300 यूनिट ओपनिंग थे, 6000 शुरू किए थे, 5400 रेडी किए थे, और सर कुछ 900 बच गए थे, ठीक है। लेकिन अब हम इस सवाल के अंदर क्या कर रहे हैं, ये डेटा आपके सामने मौजूद है, लेकिन इस डेटा को गौर से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ये डेटा क्या है। इस डेटा में अगेन समझने के लिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट ए था उसका बनाया है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें मैं दो कॉलम बना रहा हूँ, एक क्वांटिटी का और एक कॉस्ट का, एक क्वांटिटी का और एक कॉस्ट का, सिर्फ समझाने के लिए। क्वांटिटी क्या थी ओपनिंग की, सर ये 300 थे, ठीक है। पुट इन प्रोसेस स्टार्टेड, प्रोडक्शन स्टार्टेड कितनी थी, सर ये 6000 थे। कंप्लीटेड कितने थे, कंप्लीटेड थे सर 5400 थे, और एंडिंग कितने थे सर, 900 थे। ये तो लिख दिया, तो ये तो क्वांटिटी वाला काम हो गया। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ क्या लिख रहा हूँ, कॉस्ट का काम भी लिख रहा हूँ। कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन क्या लिख रहा हूँ, कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो भाई ये जो मटेरियल के लिहाज से काम था ना, ये जो 300 यूनिट थे, इस पर दो कॉस्ट थी, इस पर मटेरियल भी थी और कन्वर्जन कॉस्ट भी थी। कितनी थी, 6119 मटेरियल, अब डॉलर्स की बात हो रही है, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी थी, 3920। यानी ओपनिंग कॉस्ट आपके सामने एक दी गई है। इसी तरीके से जब प्रोडक्शन स्टार्ट की तो मटेरियल भी यूज़ किया, मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, 118621, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी की, 81130, ठीक है। ओके, ये मैंने गलती से क्या कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर लिखने के बजाय कहाँ पर लिखना चाहिए था, कॉस्ट में, कॉस्ट में लिख देते हैं सर, ये यहाँ पे आएगा 118621। तो ये कॉस्ट का डेबिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है, प्रोसेस के अंदर हमें यही मालूम करना होता है सर। क्या मालूम करना होता है भाई, ये 5400 जो रेडी किए ना, ये कितने के क्यों, जो बच गया ये कितने के। तो एवरेज मेथड में अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट कॉस्ट चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो फार्मूला अब आपके सामने आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट का। तो यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट इक्विवेलेंट कितनी आ रही, कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, इसमें प्लस करेंगे कॉस्ट एडिंग दिस पीरियड। तो ये अगर आप देखते हैं तो बिगनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट आपके सामने नज़र आ रहा है, कितना आ रहा है सर, 6119 और 31, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ही है, सर 6119 और सर क्या था, 3920, तो 3920 ये तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आ गया। नहीं सर, इसके अलावा भी है, 118661, तो 1,18,621 एंड सर 81,130 समथिंग था, चेक कर लेते हैं, यस सर यही था। तो ये ऊपर कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट एडिट मटेरियल और लेबर, और ये कॉस्ट ऑफ ऑलरेडी जो इनकम्प्लीट पिछली दफ़ा काम किया हुआ था, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से। अच्छा, अब सर छोटा सा मसला है सर, आपने तो मर्ज कर दिया, प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, हमारे पास तो दो दुआएं, 5900
5940 भी आया और 5690 आया, तो हम कौन सा लेंगे? तो यस माई मिस्टेक, हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे, मटेरियल का सेपरेट करेंगे, मटेरियल को मैंने किससे लिखा, पिंक से लिखा, और मैं कलर सिर्फ चेंज कर रहा हूँ ग्रीन से, क्या कर रहा हूँ, कन्वर्जन कॉस्ट को मैं किससे लिख रहा हूँ, ग्रीन से। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि जब मैं 5940 लूँगा, यानी 5940 लूँगा, तो वो किससे रिलेटेड होगा, वो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट से रिलेटेड होगा। और जब मैं क्या लूँगा सर, दूसरा 5670, तो जब मैं 5670 लूँगा तो सर वो किससे रिलेटेड होगा भाई, वो कन्वर्जन कॉस्ट से रिलेटेड होगा। सर ये समझ में नहीं आया, कुछ खिचड़ी पक रही है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मौजूद है ये रही आपके सामने। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, तो टोटल कॉस्ट अगर दोनों को जमा करते हैं, यही फिगर आ रही थी। अब ये टी अकाउंट के बजाय मैंने किस में लिखा है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है समझाने के लिए। सर ये जो टी अकाउंट बनाया है भाई, इन दोनों को जमा करते हैं। सर किन दोनों को जमा करने की बात कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 6119 और 392, इन दोनों को जमा करते हैं तो कुछ 10039 समथिंग आ रहा है। यस सर आ रहा है, ये देखें ये यहीं पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 10039 आ गया। तो ये 10039 कहाँ से आ रहा है, ये मटेरियल का ओपनिंग और कन्वर्जन का ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन है जो पिंक से लिखी है, ठीक है। फिर एडिट वाली बात, एडिट की बात क्या कर रहे हैं सर, इस सवाल में ये डेटा था, क्या डेटा था सर, ये डेटा ये था कि हमने 118,000 और 81,000 की कॉस्ट ऐड की थी, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये रही 118,000 जो कि अब मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, हाइलाइटर और कन्वर्जन कॉस्ट, इन दोनों को एडिट ही आ गए। इसका मतलब हमने टोटल कितनी कॉस्ट, अगर मैं ये टी अकाउंट बनाऊँ कॉस्ट का, यानी वर्क इन प्रोसेस का ए का, लेकिन अब कॉस्ट का, तो ओपनिंग कितना आ गया 10,039 और मटेरियल और लेबर, मटेरियल सर 118,621 एंड कन्वर्जन कॉस्ट 81,130, ये डेबिट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। यानी मटेरियल कितने रुपए का लगा, 124,740 और कन्वर्जन कॉस्ट कितने की लगी, 85,080। इसको हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट यूनिट से। तो इक्विवेलेंट यूनिट सर ये कहाँ से आए, ये इक्विवेलेंट यूनिट कहाँ से आए भाई, ये इक्विवेलेंट यूनिट ये जो हमने कैलकुलेट किए थे ये रहे, कि मटेरियल के लिए से कितने कैलकुलेट किए थे 5940 और कन्वर्जन के लिहाज से कितने कैलकुलेट किए थे सर, कन्वर्जन के लिहाज से हमने 5670 किए हुए थे। तो यही वाली बात यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सिंपली हमने टोटल कॉस्ट को, अब सर फार्मूला क्या था, फार्मूले पे आते हैं सर, फार्मूला क्या था भाई, ओपनिंग में कॉस्ट ऐड करेंगे और इको एक पी यू से डिवाइड करेंगे, तो यही फॉर्मेट यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी है 1450। तो सिंपली क्या करना है, ये रहा आपके सामने मौजूद है कि 124 यानी 124740 इसको डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, 5940 से, 5940 से तो 21 आ रहा है। यानी एक यूनिट पर मटेरियल जब लगा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 21 रुपये की, ठीक है। लेकिन जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो कन्वर्जन पे कितनी कॉस्ट लगाई गई है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सर ग्रीन पे, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ रही है 8550, ठीक है, लेकिन उसके इक्विवेलेंट यूनिट 560, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 15 आ रहा है। तो इन दी एंड क्या हुआ, इन दी एंड ये हुआ कि जब हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो मटेरियल और लेबर दोनों को जमा किया तो कॉस्ट पर यूनिट इक्विवेलेंट 36 आ गया। यानी एक यूनिट जो इस वक्त हम रेडी करेंगे वो हमें 36 का पड़ रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो कि यूनिट कॉस्ट एवरेज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सेपरेट एक्सट्रैक्ट कर दिए, इसको भी मैंने जिस तरीके से बिस्मा ने कहा था कि इसे सेपरेट प्रोवाइड कर दें।